इमेजिन करो कि आप एक ऐसा बॉक्स लेते हो जिसके अंदर से ना कुछ बाहर जा सकता है और ना बाहर से कुछ अंदर आ सकता है। अब आप उस बॉक्स में एक सेब रखकर उसे बंद कर देते हो। अब जब आप उस बॉक्स को लाखों करोड़ों साल बाद खोलोगे तो उसमें क्या हो सकता है? लॉजिकली देखा जाए तो उसमें सेब के सड़े हुए पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर बॉक्स खाली होगा। लेकिन नहीं, क्या होगा अगर मैं बोलूं कि आपको वो सेब बिल्कुल अच्छे हालत में मिलेगा? दरअसल जब आप सेब को बॉक्स में रखकर बंद कर दोगे तो वो धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाएगा और कुछ दिनों बाद सेब धूल में बदल जाएगा। फिर कई सालों बाद सेब के पार्टिकल्स न्यूक्लियर फ्यूजन करना शुरू कर देंगे और ये प्रक्रिया अरबों खरबों साल तक चलती रहेगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और इसी कारण से सेब की ऊर्जा अपने आप को फिर से रीयूज करने लगेगी। और तब जब आप उस बॉक्स को एक स्पेसिफिक टाइम पर खोलोगे तो वो सेब बिल्कुल सही सलामत मिलेगा।